हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इंतजार किसी चीज का, किसी शख्स का या फिर किसी मौके का, इंतजार किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन इस इंतजार में आपकी सहनशीलता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि आप कितनी देर तक रुके रहते हैं। सियासत को हमेशा एक ही चीज का इंतजार होता है, मुद्दा, क्योंकि बिना मुद्दे के सियासत दो कदम भी नहीं चल पाती है, और मुद्दा मिलने के बाद तो सियासत किसी भी वक्त का इंतजार नहीं करती, और मुद्दा हाथ में आने के बाद उसकी सहनशीलता जवाब दे देती है। दिल्ली में तीन दिनों से चल रहे उपद्रव के बाद सभी को इस बात का इंतजार था कि आखिर ये कब शांत होगा, लेकिन बुधवार को माहौल के शांत होते ही राजनीति अशांत हो गई। पिछले तीन दिनों से दिल्ली माहौल के शांत होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पिछले तीन दिनों से दिल्ली में उपद्रवी अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। हालांकि मंगलवार रात से पुलिस की सख्ती के बाद माहौल काफी हद तक शांत हो गया है, फिर भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है कि कहीं से कोई अशांति फैलाने की कोशिश ना करे। मगर अब राजनीति को नया मौका मिल गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, तो किसी मुद्दे पर हमला करना वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। तो कांग्रेस ने हमला करते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार ठहराते हुए उनका इस्तीफा मांग लिया। दिल्ली में हो रही घोर हिंसा, जानमाल के नुकसान और हर रोज बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक हुई। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। एक ऐसा बयान एक भाजपा नेता के द्वारा पिछले इतवार को भी दिया गया, जब उसने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन बीतने के बाद हमें कुछ नहीं कहना। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खासतौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। इस मौके पर गृह मंत्री शाह को जिम्मेदार ठहराने के बाद पार्टी ने केंद्र सरकार से 5 सवाल किए। गृह मंत्री अब तक कहां थे और क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री केजरीवाल अब तक कहां थे और क्या कर रहे थे? अब तक क्या जानकारी ली गई और क्या कार्रवाई हुई? दिल्ली के दंगे वाले इलाकों में कितनी पुलिस बल लगाई गई? दिल्ली में जब हालात बेकाबू हो गए थे तब ऐसे में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स क्यों नहीं बुलाई गई? यानी कांग्रेस के इस हमले में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई। हाँ, इस मौके पर कांग्रेस ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की मदद करें। Working committee calls upon all Congress workers and leaders to visit the affected areas to extend all possible support to the families of those who have suffered
as a consequence of the violence and to help build bridges between communities. फिलहाल आम आदमी पार्टी इस पूरे विवाद में किसी भी तरह की बयानबाजी से बच रही है। हालांकि दिल्ली के सीएम ने मंगलवार को राजघाट पहुंचकर लोगों से शांति बनाने की अपील की और फिर देर शाम वो अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करते भी नजर आए, लेकिन फिलहाल पार्टी इस घटना पर किसी भी तरह की सियासत से बचती नजर आई। बीजेपी ने एक बार फिर तेजी दिखाते हुए कांग्रेस का जवाब देने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रेस वार्ता को गंदी राजनीति बताया। यही नहीं, कांग्रेस पर हमला करते करते केंद्रीय मंत्री साल 1984 तक पहुंच गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने दिल्ली के हिंसा के बारे में बयान दिया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा करने लायक है। अभी हिंसा समाप्त हो रही है, अभी लोग जख्मी है, हॉस्पिटलों में है, अभी जांच की शुरुआत हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों का काम होता है कि शांति स्थायी हो और उसमें मदद करे, उसके बजाय सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। ये ऐसे हिंसा का राजनीतिकरण करना ये एकदम ही गलत रास्ता है और यही कांग्रेस की नीति होती है। वो पूछ रहे कि अमित शाह कहां थे। अमित शाह ने तो कल सभी दलों की बैठक ली, कांग्रेस के नेता भी उसमें मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और बाकी भी नेता उपलब्ध मौजूद थे। हाथ सिखों के नरसंहार से रंगे हो वो अब यहां हिंसा को रोकने में असफलता या सफलता की बात कर रहे हैं। उस समय तो हिंसा का समर्थन किया था कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने। इस बीच यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र और दिल्ली की सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट में लिखा है, दिल्ली के कुछ क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों की हिंसा, उपद्रव व आगजनी की घटनाओं में भारी जान माल की क्षति अति दुखद व अति निंदनीय है। केंद्र व दिल्ली सरकार इसे पूरी गंभीरता से लेकर इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराए व सभी लापरवाही व दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ये बीएसपी की मांग है। अब देखने वाली बात ये है कि मायावती की नसीहत और मांग दोनों पर ही केंद्र कब तक ध्यान देती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ये जरूर कह रहे हैं कि उकसाने वालों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा, मगर इसी बीच वो एक बात और बोल गए जिसे आप तंज के तौर पर समझ सकते हैं। 24 घंटे चलने वाले चैनल को तुरंत सारे फैसले चाहिए होते हैं, लेकिन सरकार और समाज जांच के आधार पर दोषियों की पहचान करना इसी व्यवस्था से चलता है और इसलिए जांच जल्दी होगी, पूरी होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये निश्चित है। दिल्ली में हिंसा का माहौल थोड़ा शांत होते ही सियासत का इंतजार खत्म हो गया और उसने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस ने गृहमंत्री से सवाल किया और इस्तीफा भी मांगा तो बीजेपी ने तुरंत सन 1984 की याद दिलाकर कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। अब बस ऐसा माहौल किसी और राज्य में हो जहां कांग्रेस की सरकार है तो फिर आप खुद देखेंगे कि आरोप प्रत्यारोप का खेल ही बदल जाएगा, क्योंकि तब कटघरे में कांग्रेस होगी और सवाल बीजेपी के होंगे। यानी सियासत के लिए मुद्दा सिर्फ राजनीति का एक मौका ही होता है जिसे भुनाकर वो सत्ता की सीढ़ी चढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।